अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप लोगों का? तो आज मैं जो लुक क्रिएट करने लगी हूँ, जे एस ब्यूटी की बेस है जो वो लगाने लगी हूँ और उसी का फिक्सर पाउडर। सबसे पहले मैंने आई बेस जो बनाई है, ये मैंने कलर ऑफ जट्टी की जो आई बेस है उससे बनाई है। और जो मैंने मेकअप कर रही हूँ वो मैं ग्रीन स्मोकी में कर रही हूँ, और स्टेप बाय स्टेप आपको आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी। और जिन लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया हमें सिलस ब्यूटी का, कलर ऑफ जट्टी का, और साथ हमें जे एस ब्यूटी का नहीं दिया, तो जल्दी से ऑर्डर कंफर्म कर लें, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, ऑल बेल आइकन करें, और लाइक और फॉलो लाजमी किया करें चैनल को। और कमेंट करके आप अपना मुझसे अपना मेरा नंबर भी ले सकते हैं, और जिन लोगों ने ऑर्डर देना है और आगे भी शेयर कर दिया करें, हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ये सिलस ब्यूटी का ग्रीन डार्क ग्रीन शेड है जो मैं आईबॉल के ऊपर लगा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं, फिंगर की मदद से लगाया थोड़ा सा उठा के, तो इतनी अच्छी इसकी ब्लेंडिंग है और ये बहुत अच्छे पिगमेंटेड हैं। तो हाइलाइटर लगा रही हूँ, तो फिंगर की मदद से ही लगा रही हूँ मैं आईब्रो बोन के नीचे, और जो इनर कॉर्नर पे लगाया मैंने वो वाइट लगाया है। और दो एक और मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने लगी हूँ कि जो ये ओपेरा का शेड है, थ्री डी है, चंक्स में ही है, छोटा ब्रीक, तो ये प्रेस करके मैंने लगा दिया। तो कलर ऑफ जट्टी का वाटर प्रूफ जो मस्कारा है बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने ऑर्डर देना आप इसका भी ऑर्डर मुझे दे सकते हैं। ये हमारे लैशेज हैं, इंशाल्लाह अनकरीब ये आ जाएंगे, तो मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जिन लोगों ने ये भी लेने होंगे फ्लफी मिंक लैश हैंडमेड, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अभी आए नहीं हैं, जैसे ही आते हैं मैं आप लोगों को बता दूंगी और वीडियो भी दिखा दूंगी लगा के ना, तो ऑर्डर दे दीजिएगा। लैशेस बड़े अच्छे हैं, हैंडमेड मिंक लैश हैं, ठीक है। और ये जे एस ब्यूटी की जो है हमारी हाई कवरेज लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ बेस आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, देखें कितनी प्यारी है। और हाई कवरेज और ये वाटर प्रूफ जो ऊपर जो मैंने लगा दिया एच डी लूज पाउडर, मैं कहती हूँ आज हमारा शूट सुबह से लेके शाम 5 बजे तक करा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेस नहीं ख़राब हुई, और हम शूट करने के लिए बाहर गए हुए थे और हाथ लगा लगा के वो टच भी कर रही थी, ये देखो आप जमीला, ये उतर ही नहीं रही, ये देखो ये टच करने से भी इधर उधर नहीं हिलती, बड़ी अच्छी बेस है आपकी। हाँ जी, जो जिन लोगों ने हाई कवरेज लॉन्ग लास्टिंग और 24 घंटे तो ये स्टे करती है, आप लोग जल्दी से ऑर्डर दें। ये हमारा ब्लैश ऑन, सॉरी ये ब्लैश ऑन जो मैं कर रही हूँ, आपको पता ही मैंने मेंशन कर दिया था, आप लोग कहते रहते हो कि आप जमीला मेंशन कर दिया करो, दिखा दिया करो आप कौन कौन सा ब्रांड यूज़ करती हैं। तो मैंने आज सारी प्रोडक्ट जो आप लोगों के साथ शेयर की है दिखा दी है आपको कि आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये हमारा सिल्स ब्यूटी का ऑरेंज शेड, क्योंकि मेरे ब्राइडल के कपड़ों में भी ऑरेंज शेड था तो मैंने ये लगाया है नीचे, इससे ये होता है ऊपर स्मोकी और नीचे ऑरेंज, बड़ी अच्छी आईज खुली खुली लगती है और बड़ी बड़ी लगती है आईब्रो। सिल्स ब्यूटी का पहले तो मैं काशिश का भी लगाती हूँ, आज मैंने थोड़ा सा डार्क लुक देनी थी तो आज मैंने ये लगाया, देखें कितना अच्छा है। ये भी हमारा वाटर प्रूफ है, बेशक वाटर से लगता है मगर वाटर प्रूफ है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, पसीना वगैरह आता है ना तो उससे ये ख़राब नहीं होता। हाँ जी, सिलस ब्यूटी का वाइट काजर वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग और आँखों के अंदर इचिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करता, ये आप लोगों का फेवरेट कलर, जैसा कि आप लोग ऑर्डर देते रहते हो तो ये आ गए, जल्दी से ऑर्डर अपना कन्फर्म कराएं, ठीक है। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बेसों से ही बेस बनाई है, एक मैंने फाउंडेशन लगाई है, ऊपर मैंने कम्पैक्ट पाउडर लगाया, तो आप नीचे ये लगा के आप ऊपर वो भी लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ हमारी एक्वा की जो बेस है सिलस ब्यूटी की, आप वो भी लगा सकते हैं, तो मुझे वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोग ज़्यादा बोले कि ज़्यादा आपको फील हो कि भी हमने ज़्यादा करना है, तो फिर आप वो भी हल्की हल्की ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी पेन के भी लगा सकते हैं और ऊपर आप ये लगा देना जो है फिक्सर पाउडर। मैंने 2 से बनाई है तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी बेस, तो दिखाती हूँ मैं फाइनल लुक आप।
तो ये हमारी फाइनल लुक है, हाई कवरेज है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, ब्राइडल बेस है। जिन लोगों ने ऑर्डर देना है फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज सारा दिन शूट पे लगा दिया है, तो सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, क्योंकि मैंने फार्म हाउस पे जाके हमने ये शूट किया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बेस रही, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। खुद उतारी है तो उतरी है, वरना ये बेस हाथों से भी टचअप करने से हिली नहीं।